खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन है शनिवार 27 नवंबर। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में मचा हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका में मिला B.1.1529 वेरिएंट। WHO ने नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन दिया। कोरोना के नए वेरिएंट से एम्स ने किया आगाह। वैक्सीनेशन से मिली इम्यूनिटी को बेअसर करने की जताई आशंका। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई देश की चिंता। पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक। 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर हरी झंडी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए जारी किए गाइडलाइंस। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक। 29 नवंबर को संसद मार्च पर लेंगे फैसला। जौनपुर में आज सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बूथ प्रभारियों से चर्चा। देंगे विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। विधानसभा में प्रदूषण पर मचा हंगामा। भाजपा के 3 विधायक निलंबित। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज SN शुक्ला के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का केस। नीति आयोग की पहली गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में खुलासा। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक गरीब। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 21वें शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को आएंगे भारत। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। कोरोना वायरस महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। ये बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई। आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने 8 अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगाने पर सहमति जताई है। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप को भी टाल दिया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाला था। दक्षिण अफ्रीका से आए इस नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया भर के देशों में चिंता बढ़ गई है। हवाई उड़ानों से लेकर खेल कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द किए जा रहे हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी इस वेरिएंट का असर पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका से आए इस नए वेरिएंट पर फिलहाल WHO शोध कर रहा है। शोध के बाद ये पता चलेगा कि ये नया वेरिएंट सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आता है या फिर चिंता करने वाला वेरिएंट है। कोरोना के कारण करीब 20 महीने से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सरकार ने 15 दिसंबर से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नगर विमानन मंत्रालय ने कहा कि भारत से जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से सामान्य रूप से संचालित होंगी। भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च 2020 से बंद थीं। इसी बीच अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट B.1.1529 आने से चिंता के बीच शेयर बाजार पूरी तरह टूट गया है, जिसका असर उड़ानों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस फैसले से विदेश यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज SN शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजन चलाने की मंजूरी मिली है। CBI ने शुक्ला के खिलाफ मामला चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत इस साल 16 अप्रैल को केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी। SN शुक्ला 5 अक्टूबर 2005 से लेकर 17 जुलाई 2020 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। पूर्व जज SN शुक्ला पर मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। भारत और रूस के बीच 21वीं शिखर वार्ता के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। चीन के साथ भारत की तनातनी और अफगानिस्तान मुद्दे पर दोनों देशों के अलग अलग रुख के कारण पुतिन की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।